Next, Junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. जहां एक ओर चित्तौड़ के महलों में प्रताप के विरुद्ध जानलेवा षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वहीं उदय सिंह के हाथों शम्स खान की पराजय के बाद भारत का राजनैतिक मानचित्र भी बड़ी तेजी से बदल रहा था. जहां एक ओर दिल्ली पर अफगानों की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी, तो उधर भारत पर दोबारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चाह में हुमायूं की सेना पंजाब तक पहुंच चुकी थी. भारत की शस्य श्यामला धरती फिर एक बार विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों से लहूलुहान होने वाली थी. पर यह संभावित संकट जब तक समूचे भारत पर छाए, तब तक मेवाड़ की धरती पर चैन और शांति की ठंडी बयार बह रही थी. जी, आज बरसों बाद यह शुभ घड़ी आई है जब मेवाड़ के दरबार में फिर से वही गौरव है. आज इन ऐतिहासिक क्षणों को राजकीय उत्सव के रूप में मनाते समय हमें ऐसे दरबारों को आयोजित करने का मूल उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए. घड़ी खम्मा हुकुम, ऐसा ही होगा हुकुम. बल्कि या दरबार में हमारे पहले राज की अतिथि आ चुके. ये गड़ोलिया लुहार के मुखिया है. कुंवर प्रताप से मिलने के लिए आपकी आज्ञा लेना चाहते हैं. हुकुम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेवाड़ की प्रजा अपने लोकप्रिय राजकुमार बावजीराज प्रताप तक पहुंचने के लिए इस दरबार में आपके सामने अपनी इच्छा रखना चाहती है. कुंवर प्रताप को दरबार में लाया जाए. बलराम सिंह जी, हमारे राजकोष की क्या स्थिति है? राणा जी, अभी अभी बहुत बड़े युद्ध से निकला है मेवाड़, इसलिए राजकोष में बहुत कम धन बचा हुआ है. मेवाड़ की अद्भुत जीत से हमारे आसपास के सभी राजपूत राजाओं को लाभ पहुंचेगा महाराज, और किसी भी राजपूत को अफगानियों को कर देना नहीं पड़ेगा. फिर भी अब तक किसी राजपूत राज्य ने हम तक किसी भी तरह का मैत्री संधि प्रस्ताव नहीं पहुंचाया है, जो सभी राजपूत राज्यों को आपसी सहयोग के लिए आपस में जोड़ सके. राणा जी, राजपूत राजाओं के बीच आपसी समझ या फिर उन्हें किसी आपसी मैत्री संधि की बात समझाना ही काफी समय से हमारे लिए एक बड़ी कठिनाई रही. अब जैसे ही बाहरी संकट में कमी आएगी, इन राजाओं के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी द्वेष बढ़ जाएंगे. रावत जी, बाहरी संकट अवश्य कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से मिटे नहीं है. आपको क्या लगता है रावत जी, शम्स खान इस अपमानजनक हार के बाद चुप बैठेगा? वो दिन रात बदले की आग में जल रहा होगा. वैसे हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया कि शम्स खान है कहां आजकल. शम्स खान को यदि कहीं शरण मिलेगी तो वो उसके अपने भाई के पास, दिल्ली का वजीर शमशेर खान. सारी दिल्ली जानती है कि उसने अपने बादशाह शेरशाह सूरी के पोते फिरोज को, जो दिल्ली के तख्त का असली उत्तराधिकारी था, उसे बड़ी निर्ममता से मारा और फिर दिल्ली के राज सिंहासन पे अपने चाचा मोहम्मद आदिल शाह को बिठा दिया, और अब अपने चाचा के नाम पर वो खुद सारी दिल्ली पे राज कर रहा है. अवधिराज प्रताप की जय! 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 प्रणाम दाजीराज.
आपने आदेश दिया आने का? ये हमारे राज्य के गडोलिया लुहार हैं। ये सब आपसे मिलना चाहते हैं कुंवर प्रताप। खम्मा घड़ी मेवाड़ रे राजकुमार सा ने, खम्मा घड़ी बाहुजी राजने। गणी खम्मा, हम जानते हैं आपको। आप मेवाड़ी सेना के हथियारों के लिए सर्वश्रेष्ठ लौ तैयार करते हैं। हथियार बनाने में जो आप लोगों की महारत है, वो तो विदेशी हथियारों तक को भी टक्कर देने वाली कारीगरी है। पूरे राजपूताने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका। आप अवश्य गाड़ेलिया लोहारों के मुखिया बजरंग मुंडिया है ना? खम्मा घड़ी बाऊजी राज, खम्मा घड़ी, आप तो आपके किस्से से भी बहुत बड़े निकले। आप तो साक्षात राम जी के अवतार हो बाऊजी राज। आपने गड़ोरिया लुहारों का मन जीत लिया बाऊजी राज। अब आपके प्रताप से ना तो अफगानों के बात बात पे कर देने का डर रहा और ना ही उनके बेगार करने का डर रहा। खम्मा है कुंवर साने, खम्मा है राजकुमार प्रताप साने। हमने अपने गांव में आपके इस जीत के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए एक पूजा रखी है। आपसे अरज है कि आप इन टोकरियों को हाथ लगा दें, जिससे हम आपका आशीर्वाद समझकर इन्हें अपने ग्राम देवता पर चढ़ावे और सभी गाड़ोलिया लुहारों में प्रसाद बांटकर आपकी कीरत गावे। बस हुकुम, एक बार हाथ लगा दे। हम जानते हैं बजरंग जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है, पर हमें क्षमा करें, हम इन टोकरियों को हाथ नहीं लगा सकते। कुंवर प्रताप, गडोलिया लुहार हमारे पीढ़ियों से मित्र हैं। ऐसे में इनकी इतनी छोटी सी बात ना मानना इनका अनादर समझा जाएगा। भूल चुक क्षमा करें दाजीराज, पर आप ही ने तो कहा कि पीढ़ियों से इनके साथ हमारी मैत्री चली आ रही है। पीढ़ियों से ये मेवाड़ के सैनिकों के लिए हथियार बना रहे हैं, जिन हथियारों से हम अपने शत्रुओं से लड़ रहे हैं और युद्ध जीत रहे हैं। तो फिर ये हमारे बंधु है ना दाजीराज? भाई बंधु मानकर हम इनसे उच्च स्थान कैसे ले सकते हैं, वो भी इनके देवता की पूजा में? इसलिए हम मात्र पूजा की टोकरियों को छूने के बजाय स्वयं इनके वहां जाकर इनके देवता को टोकरियां चढ़ाना चाहेंगे। क्या बाजीराज हमारे गांव पधारेंगे आप? क्यों बजरंग जी, हम क्यों नहीं आ सकते आपके गांव? नहीं बाजीराज, आप वहां नहीं जा सकते। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा। रावत जी, आपको हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ जितने सैनिक भेजना है भेज दीजिए, पर हमें इनके गांव जाने दीजिए। किंतु बाऊजी राज, आपके वहां जाने में बहुत बड़ा संकट है। रावत जी, ये कुंवर प्रताप और उनके प्रजा के बीच की बात है, तो हम बीच में कैसे बोल सकते हैं? उचित है हुक्म, ऐसी स्थिति में हमें बाऊजी राज की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! बाऊजी राज प्रताप की जय! हमें नहीं जाना किसी के साथ किसी गांव, इच्छा ही नहीं है हमारी। विक्रम भी नहीं आना चाहते, है ना विक्रम? हाँ, हम भी नहीं जाएंगे गांव। पर कुंवर शक्ति, कुंवर प्रताप चाहते हैं आप उनके साथ जाएं, आप जाइए। नहीं रानी माँ, न्योता दादा भाई के लिए है, वहाँ उनका सत्कार होगा, उनकी पूजा अर्चना होगी, हम क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी दाजीराज के आदेश की अवज्ञा करके युद्ध जीता है ना दादा भाई ने, तो जाने दीजिए उन्हीं को अपनी जय जय करवाने। हमें कुंवर शक्ति की बात ठीक लगती है जीजा, हमें नहीं लगता किसी भी राजकुमार को व्यर्थ ही अपना जीवन संकट में डालना चाहिए। और फिर कुंवर प्रताप जो भी कर ले, है तो अभी बच्चे ही, फिर हम उन्हें क्यों ऐसी परिस्थितियों में भेजें जहां पग पग पर संकट हो? अगर वहां जाने से उनको जनप्रसिद्धि मिलेगी
तो वो तो उनको पहले ही मिल चुकी है ना जीजा। अब यूं गांव गांव प्रसिद्धि के लिए भागने में तो हमें कोई औचित्य नहीं दिखता। कुंवर प्रताप केवल लोकप्रियता के लिए गढ़ोलिया लोहारों के गांव की पूजा में नहीं जा रहे, और यदि एक पल के लिए ऐसा मान भी लिया जाता है तो भी हम तो चाहेंगे कि वो साधारण लोगों के ऐसे कई आयोजनों में सम्मिलित हो। आखिर जिनको एक दिन राज करना है, उनका प्रजा के साथ घुलना मिलना, उनके सुख दुख को जानना, इसमें बुराई क्या है? बोलिए कुंवर शक्ति। कुंवर शक्ति, आप और कुंवर प्रताप हमेशा से ही अच्छे भाइयों की तरह रहे हैं, और अच्छे भाई वो हैं जो सदा साथ रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख। इन्हीं बातों से संबंधों को बल मिलता है। कुंवर जी, आपने सदा बिना कहे हमारी इच्छा मानी है, आशा करते हैं इस बार भी मानेंगे। ठीक है बड़ी माँ, हम जाएंगे दादा भाई के साथ में गाँव। हम भी जाएंगे बड़ी माँ। और बेना, जहां तक राजकुमारों की सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता है, तो रावत जी है ना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भेद कर तो दिखाए कोई। ठीक है ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो जाने दीजिए, पर जैसे कुंवर प्रताप वापस आएंगे ना, हम उनकी नजर उतारेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। माँ, हमें तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा, जो लोग हमें जानते तक नहीं थे वे हमारे लिए पूजा करवा रहे हैं। हमें तो अभी पता चला है कि किले के बाहर भी लोग हमें जानते हैं। माँ, जो लोग निरंतर अच्छा काम करते हैं उनके काम का फल दूर दूर तक प्रभाव फैलाता है। सदा एक बात याद रखना प्रताप, सदा अपने चरित्र को अपनी प्रतिष्ठा से अधिक महत्व देना, क्योंकि आपका चरित्र वो है जो आप हैं, जबकि प्रतिष्ठा मात्र वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। हम आपकी ये बात सदा याद रखेंगे माँ। चलें, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ही जल्दी वापस आएंगे। हाँ बस सोम की प्रतीक्षा हो रही है, जैसे वो आए तो। क्या सोम भी चलेगा हमारे साथ? क्यों नहीं भाई शक्ति, सोम हमारा एक मित्र होने के साथ साथ एक मनोरंजन साथ भी तो है। यदि कहीं आप हमसे उब गए तो आपका मनोरंजन कौन करेगा? बाजीराज, क्षमा करिए बाजीराज, वो क्या है ना कि माँ ने घर पे खीर बनाई थी तो उसे चखे बिना कैसे आता? सोम, ये तो मुझे बनी आपकी खीर की। बाजीराज प्रताप की जय! बाजीराज प्रताप की जय! बाजीराज प्रताप की जय! पैर काढ़ो बाऊजीराज। आप तो हमारी माँ समान, माँ बच्चों के पैर नहीं धोती, बच्चे माँ के पैर धोते हैं। ना बाऊजीराज, ये तो मारो कर्तव्य है, लाइए पैर दीजिए।
शूर वीरों जैसे स्वागत हो रहे हैं बाजीराज। बाजीराज प्रताप की जय। 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 राजवैद्य जी ने क्या कहा? वैद्यराज जी कह रहे थे कि कोकैया जी ने ऐसा कुछ खा लिया था, सारे शरीर में विष फैल गया था। कह रहे थे कि अगर एक घड़ी की भी देरी हो जाती ना तो प्राण चले जाते हैं उनके। वो तो अच्छा हुआ कि उस विष की दवाई थी वैद्यराज जी के पास, जो उन्होंने उसी समय दे दी। तो अब वो ठीक हो जाएगी ना? उसमें तो अभी कम से कम 7 दिन का समय लगेगा महारानी साहब। अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है महारानी साहब। ऐसा क्या खा लिया था उन्होंने? जाओ यहाँ से। ये कुंवर शक्ति आपकी, आप जीवित रह सकते हैं। ये कुंवर विक्रम के लिए, आप तो अभी छोटे हैं, आप जीवित रह सकते हैं। ये हमारे प्यारे कुंवर प्रताप के लिए, आपने बहुत जी लिया। नजर ना लग जाए हमारी योजना को। बेना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है जीजा, वो बस जलने के घाव से। लगता है राजकुमारों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है आपने। हाँ जीजा, उनके लिए सारी तैयारी कर ली है। कोकैया जी नहीं दिख रही है, फिर कौन ध्यान रखता है आपका? ध्यान की क्या बात है जीजा, हम ठीक ही हैं। बस एक बार कुंवर प्रताप को देख ले तो हमारी पीड़ा भी कम हो जाएगी। चलिए फिर। बाजीराज प्रताप की जय। 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 हे हमारे कुनवा देवता, हे हमारे कुनवा देवता, हमारे कुंवर प्रताप ने लंबी आयु दे, हमारे कुंवर प्रताप ने लंबी आयु दे। ये क्या हुआ बजरंग जी? अभी बाऊजी राज, जैसे ही हमने आपको अपने इष्ट देवता के सामने अपने पुरखों की तलवार सौंपी, इसका मतलब आज से सारे घड़ोलिया लुहार अपना सारा जीवन आपके नाम कर दिया, और आज से अपने इष्ट देवता के सामने हमने आपको अपना भावी राजा, अपना रक्षक और अपना कर्ता धर्ता मान लिया।
और आज से उम्र भर आपके लिए हथियार बनाते रहेंगे बिना शुल्क के। दादा भाई शक्ति, आप तो कह रहे थे कि दादा साहब ये सब जन प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मिलने वाला इनको, और ये लोगों ने इन्हें राजा मान लिया है। चुप रहिए प्रताप को, बस और नहीं सुनेंगे हम। हम कुंवर प्रताप आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, जो भरोसा आज आप सबने हम पर दिखाया है, आपके इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। बाजीराज प्रताप की जय। बाजीराज प्रताप की जय। बाजीराज ना सके बहुत दुसांगा है, रक्त जो जागा है, खाती जो कुछ ना सके, जीवन समर्पण है, देश को दे चला चेतन सवारी है, अश्व की जो प्लीज। मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।